तो गाइस लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने अपने घर को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर लिया था, लेकिन गाइस रात में हम लोगों को यह पता चला कि ज़ॉम्बीज तो हमारे शहर में आ चुके हैं। इसलिए यार गाइस हमने अपने गाड़ी को और घर को फिर से मॉडिफाई कर दिया है और ये है हम लोगों का न्यू अपग्रेडेड कार। देख सकते हो यार गाइस भाई सब बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ज्यादा मजबूत है। ज़ॉम्बीज यार इस कार को कुछ नहीं कबाड़ सकते हैं। और गाइस रात में एक बहुत ही खतरनाक एरोप्लेन हम लोगों के घर के सामने ही आकर के क्रैश कर गया, देख लीजिए, जिसमें से सारे आदमी तो बच गए और वो सभी के सभी भाग गए। और गाइस आप ये देख लीजिए, हम लोगों ने अपने घर को लकड़ी के जगह पर स्टील से पूरी तरह से अपग्रेड कर दिया है। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, ज़ॉम्बीज कहीं स्टील तोड़ करके घर में ना घुस जाए यार। अरे यार चिंचन तू यार टेंशन मत ले भाई साहब, अगर स्टील तोड़ करके घर में घुस भी गए तो यार सबसे पहले उनको लड़ना होगा अपन लोग के आर्मी से। अरे भाई साहब सब कुछ ठीक है ना? अरे सर ज़ॉम्बीज तो पूरे लॉस सैंटोस में फैल चुके हैं। अरे यार गाइस ज़ॉम्बीज भाई सब पूरे लॉस सैंटोस में फैल चुके हैं। और ये देख लो यार गाइस, ज़ॉम्बीज अगर हमारे घर के इस रास्ते से घुसने की कोशिश की तो भाई सब उसकी अच्छे तरीके से खातिरदारी की जाएगी। गाइस ये देखो अपन लोग ने भाई सब पेट्रोल के बहुत सारे डिब्बे मंगवा रखे हैं, क्योंकि यार गाइस ज़ॉम्बीज बहुत ही खतरनाक होते हैं। वो तो भाई सब गोलियों से मरने का नाम ही नहीं लेते हैं, उसे तो भाई सब जला करके ही मारना पड़ेगा। और गाइस ये रहे हमारे पीछे बहुत सारे डब्बे जिसमें यार खाने पीने की चीजें भरी हुई है। अरे यार फ्रैंकलिन भैया हमारे पास तो बहुत सारे आर्मी वाले हैं यार, वो सब खाएंगे तो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा अपन लोग का खाना। अरे यार सिंचन तू यार टेंशन क्यों ले रहा है, ये देखो भाई सब यहाँ पर कोको कोला पेप्सी सब कुछ ला करके रखे हुए हैं। अरे भाई सब बहुत सारी चीजें हैं अपन लोग के पास में खाने के लिए। अरे यार फ्रैंकलिन भैया बस ज़ॉम्बी अपन लोग को किसी को भी ना काटे वरना अपन लोग भी ज़ॉम्बीज बन जाएंगे यार। अरे हाँ यार गाइस इसके लिए भी हम लोगों ने तैयारी करके रखी है, क्योंकि यार ज़ॉम्बीज बहुत ही खतरनाक होते हैं। भाई साहब अगर एक को भी काट लिया तो यार वो पागल होकर के वो भी ज़ॉम्बीज बन जाएगा। इसलिए यार ये देखो इतने सारे मेडिसिन ला करके रखे हैं, अगर किसी एक को भी ज़ॉम्बीज ने काट लिया तो भाई साहब उसको एंटीबायोटिक दे करके किसी भी तरह से यार उसको अच्छा आदमी बनाया जा सके। अरे भाई साहब सब कुछ ठीक है ना? अरे सर मेज बैंक के बगल वाले बिल्डिंग में तो ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया है। अरे यार फ्रैंकलिन भैया अब क्या होगा यार, मेज बैंक तक आ चुके हैं ज़ॉम्बीज। अरे यार सिंचन तू यार टेंशन मत ले, मेज बैंक से अपन लोग का घर काफी ज्यादा दूर है। और गाइस ये देखो भाई सब ये एरिया मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि भाई सब यहाँ पर एक खतरनाक वेपन्स। अरे यार फ्रैंकलिन इतनी खतरनाक वेपन्स लाए हो ना यार तुम कि भाई सब एक ज़ॉम्बीज को अगर उसके पिछवाड़े में गोली मार दी ना तो भाई सब वो हगने नहीं सकेगा। अरे यार गाइस चोप को भाई सब ज़ॉम्बीज के बारे में पता ही नहीं है कि ज़ॉम्बीज कितने खतरनाक हैं। एक बार चोप का सामना हो गया ना ज़ॉम्बीज से तो भाई सब टट्टी निकल जाएगी चोप की। अरे भाई सब सबको आ गया ना घर में? अरे सर लेस्टर और सिमियन तो आया ही नहीं। अरे हाँ यार फ्रैंकलिन भैया, अरे यार सिमियन को जल्दी से लाओ यार, और लेस्टर अंकल को भी लाओ। अरे यार वो दोनों अपन लोग को बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। अरे हाँ यार गाइस लेस्टर और सिमियन तो भाई सब हम लोगों के घर में आया ही नहीं। अबे यार सिंचन कौन कौन हम लोगों के घर में आ चुका है? अरे यार यहाँ तो ट्रेवर और माइकल आ चुके हैं। अबे तुम लोग सब कोई ठीक हो ना? अरे यार लेस्टर और सिमियन को भी बुला लेते ना अपने घर में, अरे वो लोग मारे जाएंगे यार। अरे हाँ यार गाइस लेस्टर और सिमियन को अपन लोग को किसी भी तरह से अपने घर में लाना पड़ेगा। अरे भाई साहब देखो ना ज़ॉम्बीज कितने दूर में है अभी। अरे ठीक है सर देख रहा हूँ। अरे सर ज़ॉम्बीज तो बगल वाले बिल्डिंग में तबाही मचा दी है। अरे सर सबको मार डाल रहे हैं वो लोग, अब कुछ ही देर में लगता है अपन लोग के घर में भी हमला कर सकते हैं वो। अगर किसी को लानी है घर में तो फटाफट लेकर के आ जाइए, वरना ज़ॉम्बीज अगर आ गए अपन लोग के घर के सामने तो फिर पूरा घर सील हो जाएगा, कोई भी घुस नहीं सकेगा अंदर। अरे यार गाइस ये तो भाई सब बहुत ही खतरनाक बात बता रही है, बोल रहा है कि ज़ॉम्बीज बहुत ही सामने है। मैं यार जरा इसके इंचार्ज से पूछ लेता हूँ। अबे इंचार्ज ज़ॉम्बीज अभी कहाँ पर हैं? अरे सर ज़ॉम्बीज बहुत ही करीब आ चुके हैं, आप लोग सबको घर में ही रहिएगा, एक भी आदमी बाहर मत जाइएगा। अरे यार गाइस भाई सब सबके सब एक ही बात बोल रहे हैं कि ज़ॉम्बीज बहुत ही करीब आ चुके हैं हम लोगों के घर के पास। अरे यार गाइस मैं काम करता हूँ, मैं खुद से देख लेता हूँ यार आखिर भाई सब ये ज़ॉम्बीज आखिर है कहाँ पर। अरे यार फ्रैंकलिन भैया कुछ दिखाई पड़ रहा है यार तेरे को? अरे नहीं यार सिंचन
भाई सब यहाँ से तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, पूरा लॉस सैंटोस लेकिन शांत पड़ा हुआ है, एक भी गाड़ी नहीं चल रही है यार। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, तब तो यार मैं जाता हूँ सिमियन को बचाने के लिए, ये छोटी हेलीकॉप्टर मस्त है यार, मैं इसी से लेकर के जाता हूँ, क्योंकि यार घर की दरवाजा अगर खोल करके जाऊँ तो ज़ॉम्बीज अंदर आ सकते हैं। अबे यार पिंचन और चुप, तुम लोग यार इधर ही रुकना, तुम लोग यार घर से बाहर मत निकलना, समझा ना, तुम लोग अभी बच्चे हो। मैं जाता हूँ सिमियन को बचाने के लिए। अबे यार सिंचन तुम मत जा यार, मत जा। अरे यार ज़ॉम्बीज कभी भी हमला कर सकते हैं। अरे यार मैं जाता हूँ यार सिमियन को बचाने के लिए। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, मैं किसी भी तरह से सिमियन को बचा करके ले ही आता हूँ यार, तुम लेस्टर को बचाने के लिए जाओ, मैं तो चला यार अब सिमियन को बचाने के लिए। वैसे यार ये हेलीकॉप्टर बड़ा ही शानदार है, बहुत ही मजा आता है यार इसे उड़ाने में। अबे यार सिंचन, अगर भाई साहब तेरे को यार ज़ॉम्बीज मिल जाए तो यार तुम उसे मारने की कोशिश मत करना, वो लोग नहीं मरते हैं, तुम यार किसी भी तरह से छिप जाना और भाग जाना यार। अरे हाँ यार फ्रैंकलिन भैया, ठीक है यार ठीक है। अरे यार ये क्या, फ्रैंकलिन भैया मेरे को नूब समझते हैं क्या? अरे यार मैं किसी को भी मार सकता हूँ, लेकिन यार मैं ज़ॉम्बीज से लड़ाई नहीं करना चाहता यार, ज़ॉम्बीज बहुत ही खतरनाक होते हैं, मैं किसी भी तरह से सिमियन को लेकर के यहाँ से भागना चाहता हूँ। अरे यार सिमियन किधर छुपे हो यार? अरे यार आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ तेरे को बचाने के लिए। अरे यार गाइस देख रहे हो, पूरे लॉस सैंटोस में सन्नाटा छाया हुआ है। अरे यार सबको यार भाग चुके हैं, सबको यार अपने घर में छिप गए हैं यार, पूरे लॉस सैंटोस में ना ही एक गाड़ी चल रही है और ना ही कोई आदमी है यार। अरे यार ज़ॉम्बीज कितने खतरनाक है इसी बात से समझ लो। अरे यार सिमियन मैं आ रहा हूँ, अरे यार जैसे ही मेरे को देखना फटाफट यार मेरी हेलीकॉप्टर में बैठ जाना यार, मैं नहीं चाहता हूँ कि हेलीकॉप्टर से बाहर निकलूं। लेकिन ये क्या, अरे यार सिमियन तो यहाँ पर कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, मैं यार एक काम करता हूँ, मैं यार इसे फटाफट लैंड करता हूँ और सिमियन को ढूंढता हूँ यार। अरे यार कभी भी ज़ॉम्बीज आ सकते हैं, देख रहे हो पूरा लॉस सैंटोस में सन्नाटा छाया हुआ है। अरे यार सिमियन किधर हो तुम? अरे यार जल्दी से आना, तेरे को बचाने के लिए आ चुका हूँ यार मैं। अरे यार गाइस फ्रैंकलिन भैया बोल रहे हैं कि ज़ॉम्बीज के ऊपर हमला मत करना, लेकिन यार यहाँ तो सिमियन दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। अरे यार सिमियन की एक भी गाड़ी यहाँ पर नहीं है, लगता है यार सिमियन सब कुछ लेकर के कहीं भाग तो नहीं गया। अरे यार सिमियन किधर हो यार तुम? अरे यार मेरे पास आ जाओ, हेलीकॉप्टर लाया हूँ यार तेरे को अपने घर ले जाने के लिए। अरे यार गाइस ये सिमियन का तो कोई अता पता नहीं है। अरे यार सिमियन किधर हो यार तुम, कुछ तो बोलो यार। अरे यार गाइस अब तो मेरे को भी बहुत जोर की डर लगने लगी है। अरे यार यहाँ तो पूरा सन्नाटा छाया हुआ है यार, अरे एक चूहा तक दिखाई नहीं पड़ रहा है मेरे को। अरे यार क्या करूँ मैं, अरे बाप रे बाप, अरे यार ये तो ज़ॉम्बी है। अरे यार गाइस सुना तुमने, भाई साहब ये लोग कितने खतरनाक हैं। अरे यार ये किस तरह की आवाजें निकालते हैं यार। अरे यार मेरे को इन लोगों को मारना पड़ेगा। अरे तेरी ऐसी की तैसी, ये तो फिर से खड़ा हो गया। अरे यार मैं इसको हेडशॉट लगा रहा हूँ, लेकिन भाई साहब ये क्या, ये तो मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे यार फ्रैंकलिन भैया बोले थे कि कोई भी ज़ॉम्बी को मत मारना, लेकिन यार मैं अपनी जान बचाने के लिए इसको मारना पड़ रहा है यार, और देखो भाई साहब मरने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे तेरी ऐसी की तैसी, तेरी मैं खोपड़ी फोड़ दूंगा। ये ले ये ले ये ले ये ले। अरे यार मैंने तो इसको टपका दिया, लेकिन भाई साहब ये सच में मरने का नाम ही नहीं ले रहा यार, मुझे तो यार इसको हेडशॉट लगाना पड़ा। अरे यार ये देखो भाई साहब स्लोली स्लोली मेरे ही तरफ आ रहे। अरे यार गाइस लगता है भाई साहब सिमियन को भी यार इन लोगों ने खा तो नहीं गया यार, सिमियन के दुकान के पास में तो भाई साहब हमला हो गया। अरे तेरी ऐसी की तैसी, बच गया यार मैं बच गया, अब भी काट लेता यार ये मेरे को। ये ले ये ले ये ले ये ले। अरे यार ये तो मरने का नाम ही नहीं ले रहा, मेरे को भागना पड़ेगा यहाँ से। रुक जा बेटा मैं तेरे को भी बता रहा हूँ, ये ले ये ले ये ले। अरे यार मैंने यार इसको बहुत ही मुश्किल से मारा है। अरे यार गाइस मेरे को या तो यहाँ से कहीं पर छुपना पड़ेगा या फिर यार मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा। मेरे को पक्का विश्वास है यार कि ये लोग भाई साहब सिमियन को निगल गया या फिर यार उसे भी काट करके ज़ॉम्बीज बना दिया यार। अरे यार गाइस आपने सुना, अरे यार ये लोग बहुत ही खतरनाक आवाज निकालते हैं। अरे तेरी ऐसी की तैसी, मैं यार इन लोगों को जब तक अच्छे से निपटाऊंगा नहीं तब तक यार मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकता। ये लोग अगर मेरे को जरा सा भी काट लिए तो मैं यार ज़ॉम्बीज बन जाऊंगा यार, और फ्रैंकलिन भैया पिंचन चोप सबको यार काटूंगा। अरे यार उन लोगों को भी ज़ॉम्बीज बना दूंगा।
अरे यार मेरे को यहाँ से अब भागना पड़ेगा। लेकिन ये क्या, ये कौन सी आवाज थी यार, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आवाज आई। अबे यार चुप, काफी टाइम हो चुका है लेकिन यार ये सिंचन आ क्यों नहीं रहा यार। अबे यार फ्रैंकलिन, मैं तो बोलता हूँ यार पहले लेस्टर को ले आते हैं फिर यार सिमियन के पास जाते हैं, अगर कोई लफड़ा हुई होगी तो भाई साहब सिंचन और सिमियन दोनों को भी ले आएंगे यार। अरे हाँ यार चुप, तू भी ठीक ही बोल रहा है, चल आ जा आ जा। अरे यार गाइस सिंचन को गए हुए यार काफी टाइम हो चुका है और यार मेरे को थोड़ी बहुत तो टेंशन होने ही लगी है कि भाई साहब कहीं ज़ॉम्बीज तो यार उसके ऊपर अटैक तो नहीं ना कर दिया। फिलहाल यार मैं जल्दी से लेस्टर को ले आता हूँ क्योंकि यार लेस्टर की जान भी खतरे में है। लेस्टर के पास में ना ही यार ज़ॉम्बी प्रूफ यार कार है और ना ही घर। अबे यार फ्रैंकलिन टेंशन क्यों लेता है यार, अपन लोग के पास में ज़ॉम्बी प्रूफ कार तो है ना। अरे यार लेस्टर को इसी कार में बैठा करके अपने घर ले आएंगे, उसके बाद तो भाई साहब ज़ॉम्बी अपन लोग को क्या कर लेगा देख लेंगे। अरे हाँ यार चुप, लेकिन भाई साहब यार जब तक हम लोग उसके पास पहुँचते हैं तब तक यार किसी भी तरह से लेस्टर सेफ रहना चाहिए। देख रहे हो यार गाइस, भाई सब लॉस सेंटोस में सब आदमी अपनी कार उर छोड़ करके भाग चुके हैं, किसी बिल में घुस गए होंगे, अपने घर में घुस गए होंगे, दरवाजे खिड़कियां सब कुछ बंद कर ली होगी। और यार गाइस देखो भाई सब कितनी महंगी महंगी कार यार रोड में ही छोड़ करके भाग चुके हैं। ज़ॉम्बीज इतने खतरनाक है कि भाई सब पूछो ही मत, अगर यार एक फैमिली में किसी भी मेंबर को उसने काट लिया तो भाई सब वो पागल होकर के ज़ॉम्बीज बन जाता है। अबे यार फ्रैंकलिन लेकिन अपन लोग तो सेफ है ना यार, हम लोगों के पास में तो ज़ॉम्बी प्रूफ कार भी है। अरे यार ज़ॉम्बी इस कार को कुछ भी कर नहीं सकते हैं। अरे हाँ यार चोप, लेकिन सिंचन की टेंशन हो रही है मेरे को, भाई सब सिंचन ने गया था सिमियन को बचाने के लिए लेकिन यार वो अभी तक वापस नहीं आया है। अरे यार गाइस मैं यार अब इन लोगों से लड़ नहीं पाऊंगा, अरे यार ये लोग बहुत ही खतरनाक है, मेरे को यार यहाँ से किसी भी तरह से भागना पड़ेगा। अरे यार फ्रैंकलिन भैया मेरे को बचा लो यार बचा लो। अरे यार गाइस मैं यार यहाँ से चलता हूँ अब। अरे तेरी ऐसी की तैसी, ये क्या मेरा हेलीकॉप्टर ने यार इन लोगों ने जला दिया, अरे यार मैं अब घर कैसे जाऊंगा। अरे यार फ्रैंकलिन भैया बचा लो यार बचा लो। अरे यार मेरे को बहुत जोर की रोना आ रही है, अरे यार मैं अब घर कैसे जाऊंगा यार, मेरे को मार डालेंगे ये ज़ॉम्बी वाले। वाओ, 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 वाओ। अरे यार ये क्या भाई साहब, ये लोग तो बहुत ही गुस्से में हैं। अरे यार ये लोग मेरे को काटना चाहते हैं यार, मेरे को खाना चाहते हैं। तेरी ऐसी की तैसी, मैं जब तक हूँ तब तक तुम लोगों को टच नहीं करने दूंगा, मैं तुम लोगों की बैंड बजा दूंगा। रुक जा बेटा रुक जा, मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा यार, मेरे को यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा वरना ये लोग तो मेरे को मारने ही वाले हैं। अरे यार फ्रैंकलिन भैया गलती हो गई मेरे से, प्लीज बचा लो यार। अरे यार गाइस ये लोग तो भाई सब पक्का मेरे को जान से मारने वाले हैं। तेरी ऐसी की तैसी, मैं यार इन लोगों से किसी भी तरह से छुटकारा पाना चाहता हूँ यार, अब मैं कभी भी यार लॉस सेंटोस में घूमने नहीं निकलूंगा। ये ले अब तुम लोगों को बताता हूँ, रुक जा मैं यार जब तक कार में हूँ यार ये लोग मेरे को कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन भाई साहब ये लोग बहुत ही जीती हैं यार, ये लोग तो भाई साहब मरने का नाम ही नहीं ले रहे, मैं यार इन लोगों को कुचल रहा हूँ लेकिन भाई साहब ये लोग तो मरने का नाम ही नहीं ले रहे यार। अरे तेरी ऐसी की तैसी, मेरे को यहाँ से जल्दी भागना होगा। अबे यार फ्रैंकलिन रोड में इतनी सन्नाटा क्यों है यार, एक भी आदमी दिखाई नहीं पड़ रहा मेरे को। अबे यार चुप, भाई साहब मेरे को पीछे कुछ आदमियाँ दिखाई दी। अरे तेरी ऐसी की तैसी, ये लोग तो भाई साहब नॉर्मल आदमी है ही नहीं। अबे यार चुप, भाई साहब ये तो ज़ॉम्बीज है ज़ॉम्बीज। अरे तेरी ऐसी की तैसी, भाई साहब ज़ॉम्बीज मिल गए हैं अपन लोग को। अबे यार फ्रैंकलिन एक को भी नहीं छोड़ना है, अरे सबके कुचल डालो यार। अरे हाँ यार चुप, भाई साहब तुम लोग यार गाड़ी में ही बैठे रहो, मैं यार इन लोगों की जरा बैंड बजाता हूँ। अरे यार गाइस फाइनली भाई साहब हम लोगों को ज़ॉम्बीज दिख गए हैं। और यार गाइस देखो भाई साहब ये कितने सारे लोग हैं, एक साथ मिलकर के किसी एक के ऊपर अटैक करते हैं। अबे यार फ्रैंकलिन सॉरी यार सॉरी, मेरे से रेड बटन दब गई यार, इस वजह से गेट खुल गई। अबे यार चुप, तेरी ऐसी की तैसी, तेरे वजह से मैं मरूंगा। अबे नहीं यार फ्रैंकलिन, तू यार सबको टपका सकता है, तेरे पास बहुत ही खतरनाक हथियार है यार, सबको मार तू। अरे यार गाइस मेरे को मशीन गन निकालने दे, इसकी बात तो
इन लोगों की ऐसी की तैसी। हाँ बेटा सामने आ, अभी बताता हूँ मैं तुम लोगों को तेरी ऐसी की तैसी। इतने सारे ज़ॉम्बीज वो भी एक साथ मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं। हाँ बेटा आजा थोड़ी और सामने आ, अब दिखाता हूँ तुम लोगों को मजे। ये ले थोड़ी गोलियाँ खा ले तुम लोग, अब मजा आ रहा है तुम लोगों को। अरे यार ये तो बहुत ही सामने आ गई थी। अबे यार फ्रैंकलिन तेरे सामने एक ज़ॉम्बी आ गया था यार, कहीं वो तेरे को काट ना ले। अबे यार चुप, जब तक भाई साहब ये वाली गन मेरे पास में है भाई साहब मैं इन लोगों की पेंट बजाता रहूंगा। अरे यार गाइस देख रहे हो भाई साहब इतनी ज्यादा गोलियां मारने के बाद भी ये लोग मरने का नाम ही नहीं ले रहे। सोचो यार गाइस अगर सिंचेन के ऊपर में यार अटैक हुआ होगा ज़ॉम्बीज का तो भाई साहब उसके पास एक छोटी सी गन है, बस छोटी सी, उससे यार वो कर क्या पाएगा। अरे यार गाइस आप लोगों को पता है भाई साहब ये लोग इतने ताकतवर क्यों होते हैं? क्योंकि यार जिस भी आदमी लोगों को ये लोग मारते हैं ना भाई साहब उसके सारे खून को पी जाते हैं ये लोग। अरे भाई साहब बच गया, एक ज़ॉम्बी तो भाई साहब मेरे बहुत ही ज्यादा नजदीक आ गया था यार, वो तो मेरे गर्दन के ऊपर काटने ही वाला था तब तक यार मेरे को पता चल गया। और भाई साहब मैं दूर हटके इसकी ऐसी की तैसी इन लोगों की पेंट बजा दी। अरे यार गाइस मेरे को यार यहाँ से निकलना पड़ेगा, भाई साहब ये लोग तो मरने का नाम ही नहीं ले रहे। अबे यार जो भाई साहब ज़ॉम्बी से पंगा लेना बहुत ही खतरनाक है यार, हम लोगों को किसी भी तरह से जल्दी लेस्टर को बचाना पड़ेगा, वरना एक भी ज़ॉम्बी अगर लेस्टर को देख लिया तो भाई साहब उसके पास में तो कोई भी गन नहीं है, उसको तो यार पक्का ये लोग काट के खा जाएंगे। अबे यार फ्रैंकलिन सिंचेन के पास में एक बस छोटी वाली गन है। अरे यार अगर ज़ॉम्बीज हमला कर दिए होंगे सिंचेन के ऊपर में तब क्या होगा यार? अरे यार रात भी हो चुकी है। अरे हाँ यार गाइस भाई साहब रात भी हो चुकी है। अरे यार गाइस अब तो भाई साहब खतरा और भी बढ़ चुका है, रात के टाइम में भाई साहब ज़ॉम्बीज और भी बाहर निकलते हैं और यार वो आदमी लोग के ऊपर हमला करते हैं। अरे यार तेरी ऐसी की तैसी, अबे चुप, देखा तूने भाई साहब हम लोगों के गाड़ी के ऊपर में एक ज़ॉम्बी हमला कर रहा था। ये देखो भाई साहब इतने सारे रोड पे निकल चुके हैं, लेकिन यार डरने की कोई बात नहीं है, अभी यार फिलहाल अपन लोग यार ज़ॉम्बी प्रूफ गाड़ी में बैठे हुए हैं। अबे यार फ्रैंकलिन किसी भी तरह से यार लेस्टर की जान बचा ले और फटाफट चलो यार सिंचेन को ढूंढने के लिए, सिंचेन का एक भी फोन नहीं आया यार अभी तक। अबे यार चुप, लेकिन पहले लेस्टर की जान तो बचाने दे, लेस्टर की लोकेशन भाई साहब इधर की है। अबे यार लेस्टर किधर है यार, तू किधर है? अरे यार हम लोग आ चुके हैं, बाहर निकल जाए यार तू। अरे यार गाइस मेरे को ही बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि यार आप लोगों को पता ही है कि भाई साहब लेस्टर बहुत ही बड़ा फट्टू है यार, उससे बड़ा डरपोक आज तक मैंने पूरे लाइफ में नहीं देखा। लेकिन भाई साहब ये क्या? अबे यार चुप, ज़ॉम्बीज भाई साहब इधर भी हैं। अरे तेरी ऐसी की तैसी। अबे यार फ्रैंकलिन लगता है लेस्टर भी पकड़ा गया है, इस वजह से ज़ॉम्बीज उसको ढूंढ रहे हैं यार। अरे नहीं यार चुप, लेस्टर को ढूंढ पाना इतनी आसान नहीं है, वो बहुत ही बड़ा डरपोक है, कहीं ना कहीं दुबक गया होगा वो। अरे भाई साहब मिल गया मेरे को लेस्टर मिल गया। अबे यार लेस्टर चल यार चल। अरे यार फ्रैंकलिन तू आ गया यार, मेरे को लगा भाई साहब ये ज़ॉम्बीज मेरे को काट ही डालेंगे और मेरे को भी ज़ॉम्बी बना देंगे यार। अबे यार लेस्टर हम लोगों के पास में भाई साहब ज़ॉम्बीज से बचने के लिए बहुत कुछ है, ज़ॉम्बी प्रूफ गाड़ी है और हम लोगों ने पूरे घर को भाई साहब पूरी अच्छी तरीके से सील कर रखा है और बहुत सारे आर्मी वाले को लगा रखे हैं। एक भी ज़ॉम्बी अगर हमारे घर में एंट्री करने की कोशिश की ना तो भाई साहब आर्मी वाले उसकी बैंड बजा देंगे। अरे यार गाइस ये लंगड़ू भाई साहब किधर रह गया? अबे यार लेस्टर चलना यार जल्दी से चलना। अरे यार यहाँ बहुत ही ज्यादा खतरा है यार, किसी भी तरह से हम लोगों को यहाँ से निकलना पड़ेगा। सिंचेन यार सिमियन को बचाने के लिए गया था, अभी तक वो वापस नहीं आया है। अरे यार फ्रैंकलिन सिमियन तो अभी मेरे ही पास में था यार, वो अभी कुछ ही देर पहले यहाँ से डर के मारे भाग गया। अरे यार रुक जा मेरे को भी आने दे यार, ज़ॉम्बीज आ गए हैं। अरे तेरी ऐसी की तेजी, जल्दी से चढ़ना पड़ेगा मेरे को। अबे यार लंगड़ू चढ़ना यार जल्दी से गाड़ी में, देख नहीं रहे हो भाई साहब कितनी खतरनाक ज़ॉम्बीज पूरे रास्ते में पड़े हुए हैं। अभी यार लेस्टर क्या बोल रहा था तू कि सिमियन तेरे ही पास में था? इसका मतलब है भाई साहब सिमियन नहीं मिला होगा यार सिंचेन को, और सिंचेन उतनी देर से घर भी वापस नहीं आया। अरे यार जरूर उसके साथ कोई ना कोई गड़बड़ हुई होगी अभी तक तो। अबे यार फ्रैंकलिन सीधा चल सिमियन के दुकान में, देखते हैं कि सिंचेन वहाँ पर है भी या नहीं यार। अरे फ्रैंकलिन भैया
सिमियन की दुकान की तरफ भी ज़ॉम्बीज आ ही चुके हैं यार। अरे नहीं यार पिंचेन, यहाँ पर तो भाई सब एक भी ज़ॉम्बीज नजर नहीं आ रहे, और सिमियन की दुकान में तो कोई भी नहीं है यार, पूरा दुकान खाली है भाई सब। यहाँ पर ना सिंचेन है और ना ही सिमियन। अरे यार लेस्टर, भाई सब आखिर ये सिंचेन गया तो गया कहाँ? अरे यार इधर भी नहीं है यार सिंचेन। अरे यार फ्रैंकलिन, इधर तो ज़ॉम्बीज भी नहीं आए हैं यार, फिर सिंचेन गया तो गया कहाँ? अबे यार लेस्टर ये देख भाई सब ज़ॉम्बीज इधर भी है। अरे तेरी ऐसी की तैसी, ये क्या है? अबे यार फ्रैंकलिन, ये तो सिंचेन का हेलीकॉप्टर लग रहा है यार। अरे हाँ यार चुप, और भाई सब पूरी तरह से जल करके राख हो चुकी है। अरे यार गाइस, भाई सब आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? सिंचेन के हेलीकॉप्टर भाई सब पूरी तरह से जल करके राख हो चुकी है, और सिंचेन दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। अरे यार सबको चारों तरफ देखो यार, देखो सिंचेन अगर इधर उधर होगा तो। अरे भाई सब इधर ज़ॉम्बीज भी आने लगी। अरे फ्रैंकलिन भैया, कहीं ज़ॉम्बीज सिंचेन भैया को काट तो नहीं ना लिए यार? अरे यार पिंचेन, मेरे को कुछ भी पता नहीं, लेकिन भाई सब ज़ॉम्बीज यार सिमियन के दुकान के पास भी आ चुके हैं। इसका मतलब है यार जरूर कोई ना कोई तो हमला किया होगा यार सिंचेन के ऊपर में। अरे फ्रैंकलिन भैया, तुम यार इधर ज़ॉम्बीज को निपटाओ, मैं यार उधर सिंचेन भैया को ढूंढ करके आता हूँ। अबे यार पिंचेन, ये क्या कर रहे हो यार तुम? अरे भाई सब तेरे पास में तो गन भी नहीं है। अरे यार तू उतर जा यार, उतर जा। अरे यार तू मेरे पास में रह यार। अरे फ्रैंकलिन भैया, तू यार टेंशन मत ले, मैं यार सिंचेन भैया को ढूंढ लेता हूँ किसी भी तरह से। अरे यार गाइस, सब कोई मेरे को नूब ही समझते हैं, लेकिन मैं बहुत ही पावरफुल हूँ, मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ। देख लेना ज़ॉम्बीज की ऐसी की तैसी। अरे यार ये क्या, ज़ॉम्बीज मेरे को मिल गए। अरे तेरी ऐसी की तैसी, ये तो मेरे ही तरफ आ रहे, और ये भी आ रहा यार, मेरे को कहीं पर जाकर छुपना होगा। अरे यार मैं तो बाल बाल बच गया, ज़ॉम्बी मेरे को भी पकड़ने ही वाला था। अरे भाई साहब मेरे को छुपना पड़ेगा। अरे यार ये ज़ॉम्बी तो बहुत ही खतरनाक है, मैं यार इधर ही छुप जाता हूँ। अरे यार बचा ले फ्रैंकलिन भैया। अरे यार गाइस, ये सिंचेन तो भाई साहब पहले से ही खो चुका है, और यार ये पिंचेन भी कहीं गायब हो चुका है। अबे यार चुप, भाई साहब इन दोनों भाइयों का करे तो करे क्या? अरे यार ये लोग मेरे को परेशान करती है। अरे तेरी ऐसी की तैसी, भाई साहब ज़ॉम्बीज इधर भी है। अरे यार सिंचेन किधर है यार तू? मैं यार फ्रैंकलिन भैया, निकल जा यार, निकल जा। अबे यार फ्रैंकलिन, गाड़ी में छिप जाओ यार, छिप जाओ। अरे यार ज़ॉम्बीज से लड़ाई नहीं कर पाएंगे, इन लोगों ने लगता है सिंचेन को खा गया यार। अबे यार चुप, ये क्या बोल रहे हो तुम? भाई सब अच्छी अच्छी बातें कर। अरे यार सिंचेन पिंचेन दोनों के दोनों गायब हो चुके हैं। अरे यार फ्रैंकलिन, मैं तो बोलता हूँ यार मेज बैंक के तरफ देखते हैं, मेज बैंक के टॉप से सब कुछ दिखेगा यार। अरे हाँ यार लेस्टर, रुक जा यार रुक जा, मैं यार मेज बैंक से ही देखता हूँ कि भाई सब सिंचेन पिंचेन आखिर किधर छुपे हैं। अबे यार फ्रैंकलिन, मेरे को लगता है कि सिंचेन मारा जा चुका है, लेकिन पिंचेन तो अभी अभी गायब हुआ यार, कम से कम उसे तो ढूंढो। अरे यार गाइस, हम लोग यार मेज बैंक आ चुके हैं, और भाई सब रात का टाइम है, यहाँ से यार कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता यार, चारों तरफ भाई सब अंधेरा ही अंधेरा है, बस यार थोड़ी बहुत लाइट जल रही है। लेकिन यार मैं चिल्ला करके कोशिश करता हूँ पिंचेन को और सिंचेन को बुलाने की। अबे यार सिंचेन पिंचेन, मैं यार फ्रैंकलिन भैया, मैं यार मेज बैंक में हूँ। अरे यार तुम लोग सुन पा रहे हो तो मेरे को आवाज दो यार। अरे यार गाइस, चारों तरफ देख रहा हूँ, लेकिन भाई सब कोई भी आवाज नहीं आ रही है। इधर भी देख रहा हूँ यार, लेकिन भाई सब ये सिंचेन पिंचेन दोनों के दोनों गायब हो चुके हैं। अरे यार ये सिमियन को ना बचाने जाता और ना ये हालत होती। अबे यार फ्रैंकलिन, मेरी बात मान ले यार तू। अरे यार सिंचेन और पिंचेन दोनों के दोनों मारे जा चुके हैं। अरे यार उनको अब खोज पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है यार, उसको यार ज़ॉम्बीज खा चुके होंगे अभी तक। अरे हाँ यार फ्रैंकलिन, चुप ठीक ही बोल रहा है यार, सिंचेन और पिंचेन दोनों के दोनों मारे जा चुके हैं, ज़ॉम्बीज उसे खा गए होंगे अभी तक। अरे नहीं यार लेस्टर, सिंचेन और पिंचेन जरूर कहीं ना कहीं छुपे होंगे, उन लोगों के पास में भाई सब फोन नहीं है, वरना यार वो लोग अपन लोग को जरूर कॉल करते हैं। अरे यार गाइस, किसी भी तरह से हम लोगों को सुबह होने का वेट करना है, उसके बाद यार ज़ॉम्बीज थोड़ा कम निकलते हैं तो भाई सब उसी पीरियड में अपन लोग यार सिंचेन और पिंचेन को ढूंढेंगे। बस यार आप लोग तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 3 देखना है तो नीचे यार कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखो।
पार्ट थ्री, मैं समझ जाऊंगा यार, आप लोगों को पार्ट थ्री चाहिए इसका, और यार मैं कल लाऊंगा इसका पार्ट थ्री। इसलिए यार आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो में यार जरूर कमेंट करो पार्ट थ्री। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।